हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने गूगल क्रोम का कैसे बैकअप कर सकते हैं और कैसे उसकी सेटिंग को रिस्टोर कर सकते हैं, बैकअप की सेटिंग कैसे कर सकते हैं और उसको रिस्टोर कैसे कर सकते हैं। गूगल क्रोम ब्राउज़र गिव यूज़र लॉट ऑफ फंक्शनैलिटी, जिसमें से कुछ हम आपको बहुत सी फंक्शनैलिटी गूगल क्रोम देता है, जिसमें से कुछ हम आपको बता चुके हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही हमने आपको एक्सटेंशन कैसे गूगल क्रोम में यूज़ करते हैं बताया, और कैसे पासवर्ड सेव करते हैं इसकी मैनेज करने की फैसिलिटी आपको पता है। जब आप ईमेल बनाते हैं तो वो पूछता है कि डू यू लाइक टू सेव योर पासवर्ड, तो आप वहाँ पे या तो नेवर दे सकते हैं और या तो आप सेव कर सकते हैं, और अगर आप वहाँ पे पासवर्ड सेव कर देते हैं तो वो सेव हो जाता है, और आप फर्दर अगर भूल जाते हैं पासवर्ड तो आप ईजिली गूगल की हेल्प के थ्रू रिट्रीव कर सकते हैं। तो इस तरह से उसकी बहुत सी ऐसी फंक्शनैलिटी है जो हमारे लिए हेल्पफुल भी है, और अगर कोई हैकर उसको यूज़ करता है तो वो डेंजरस भी है कि वो पासवर्ड इजीली आपका एक्सेस कर लेगा। बैकअप एंड रिस्टोर ऑल सेटिंग इन गूगल क्रोम। अब हम अपने गूगल क्रोम की सेटिंग को कैसे बैकअप करते हैं और कैसे उसको रिस्टोर कर सकते हैं, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। दीज डेज इट इज़ वेरी कॉमन फॉर अस टू हैव अ मल्टीपल डिवाइस इन विच वी डू वर्क एंड सर्व द वर्क। परहैप्स यू मे हैव अ कंप्यूटर एट होम एंड एट वर्क। आपके पास अगर काम कर रहे हैं कंप्यूटर घर पे भी है और ऑफिस में भी है, तो आप जो घर पे काम करते हैं वो आप ऑफिस में एक्सेस कर सकते हैं, और जो ऑफिस में काम है वो आप घर पे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपका सिस्टम आपस में सिंक्रोनाइज है और इसका बैकअप सेटिंग आपने सेट कर रखी है, यू वांट टू बी एबल टू एसेस ऑल सेम कंटेंट ऑन ऑल कंप्यूटर नो मैटर वेयर यू आर, और उससे आप जितने भी कंप्यूटर आपस में लिंक है सिंक्रोनाइज है उस पर वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आपने किसी एक कंप्यूटर पर किया है। For instance, maybe you bookmark a web page in a Google Chrome and want to read it later on a different device. This is exactly why you would want to backup and then restore your Google Chrome setting. अब आपने अपने डेस्कटॉप पे अगर bookmark किया तो उसको आप अपने फ़ोन पे भी पढ़ सकते हैं या किसी और भी डिवाइस पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने गूगल क्रोम में बैकअप की सेटिंग कर रखी है और सिंक्रोनाइज कर रखा है, जिसकी वजह से आप अपनी सेटिंग को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंक्रोनाइज फीचर है क्या, विल अलाउ यू टू यूज़ द सेम सेटिंग एंड यूज़र डेटा अक्रॉस अ मल्टीपल डिवाइस। अब ये सिंक्रोनाइज ही है जो हमको हेल्प करता है कि हम अपनी एक सेटिंग जो घर पर हमने की है और उसको दूसरे कंप्यूटर पर हमने सिंक्रोनाइज किया है, जिसकी वजह से आप जो घर पे काम करते हैं वो ऑफिस में पढ़ पाते हैं और जो ऑफिस में काम करते हैं वो घर पे पढ़ पाते हैं। यू कैन आइदर कॉपी द यूज़र डेटा फ्रॉम द गूगल क्रोम फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर और यूज द सिंक्रोनाइज फीचर दैट विल बैकअप एंड रिस्टोर द क्रोम ऑन ऑल डिवाइसेज यू लॉग इन टू। अब या तो आप बैकअप बनाइए और फिर उसको पढ़िए दूसरे कंप्यूटर पे ले जाकर, और या तो सिंक्रोनाइज कर दीजिए अपने सिस्टम को और उसके फीचर्स को आप बैकअप कर लीजिए और फिर उसको रिस्टोर कर लीजिए। वेयर आर गूगल क्रोम सेटिंग स्टोर। अब हमको ये जानना है कि ये जो सेटिंग होती है वो कहाँ पर स्टोर होती है। Google Chrome individual user settings are actually stored in a file called preferences. अब Google Chrome की जितना भी आप काम करते हैं उसकी जितनी भी सेटिंग होती है वो preferences नाम की एक फाइल में स्टोर होती है। This is located and stored in a user profile. The preferences setting file is automatically created the first time someone uses the Chrome, or you can search for file and find it. ये प्रेफरेंस फाइल जो होती है वो गूगल क्रोम के द्वारा पहली बार जब आप प्रोफाइल बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली बन जाती है और वो आपके कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है। इस फाइल को आपको ढूंढने के लिए आपको एसटी मैसेज की सेटिंग करनी होगी, जिसमें माई स्टाइल का इंफॉर्मेशन होगी, टाइटल होगी, शो आइकॉन होगा, आईडी होगा, क्लास होगा, स्टाइल होगा, डायरेक्टरी होगी,
ये सारी चीज़ें थोड़ी टेक्निकल हैं, वो आप नहीं कर पाइएगा, और लेकिन आपको हम उस पोजीशन तक पहुंचा सकते हैं जहां पर आपका यूज़र डिफ़ॉल्ट डेटा सेट है। तो ये डिफ़ॉल्ट डेटा जो सेट होता है वो कहां पे होता है, इसको हम लोग अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये कहां पे रहता है। तो इसके लिए हम लोगों को ड्राइव में जाना पड़ेगा, और ड्राइव में ये देखिए आपका हमारे कंप्यूटर का यूज़र का नाम SUS है, इसमें ऐप डेटा में जाएंगे, उसके लोकल में जाएंगे, उसके गूगल में जाएंगे, उसके क्रोम में जाएंगे, यूज़र डेटा में जाएंगे और डिफ़ॉल्ट में जाएंगे। तो डिफ़ॉल्ट में जब जाएंगे तो आपको जितना भी टाइप का डेटा आपके क्रोम में काम करने पर बनता है वो सारा यहाँ पर अवेलेबल होता है, लेकिन आप उसको एक्सेस तभी कर सकते हैं जब आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो। और आप उसको ये देखिए गूगल प्रोफाइल यहाँ से आपका आइकॉन बन जाता है, जो फोटो के साथ वो आ रहा है, गूगल प्रोफाइल पिक्चर आ रही है। आप इसको जब ये सारी चीज़ें देखिए गूगल स्टोर करता है, ये देखिए हमारी पिक्चर इसमें स्टोर हो गई है। तो इस तरह से गूगल जो होता है आपकी एक एक एक्टिविटी को स्टोर कर लेता है, और आप जो सोचते हैं कि हम VPN यूज़ करेंगे और गूगल के बहुत से ईमेल यूज़ करके उस पर काम करके गूगल को धोखा दे देंगे, तो आप वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपकी हर एक्टिविटीज होती है वो गूगल स्टोर करता है। ये देखिए सेशन बन जाता है, आप कितने बार उस पर गए, कितने सेकेंड तक रहे, कितना काम किया, सारा कुछ इसमें स्टोर हो जाता है। और कुकीज़ बन जाती है जहाँ पर आप जितनी बार जाते हैं उसमें उसका आप पहली बार जब जाते हैं तो आपके हार्ड डिस्क में गूगल क्रोम एक कुकीज़ नाम की फाइल बना देता है जिसमें आपका पासवर्ड और टाइम डेट सारी चीज़ें स्टोर्ड हो जाती हैं। तो ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ें हैं। अब यहाँ देखिए आपने कौन कौन सी साइट एक्सेस की और ट्रांसलेट किया, आपने क्या किया, ट्रस्ट वॉलेट कौन सा यूज़ किया, विजिटेड लिंक कौन कौन सी विजिट की लिंक, ये सारा कुछ एक एक चीज़ वो सब स्टोर करता है। और आप ये सोचिए कि हम उसको धोखा दे देंगे तो आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो हर चीज़ें आपकी, ये देखिए बुक मार्क तक तो उसने आपका स्टोर किया, तभी तो आप बुक मार्क जब क्लिक करते हैं तो उस पर्टिकुलर साइट पर पहुंच जाते हैं। ये देखिए सिंक्रोनाइज डेटा आपका आ रहा है, सिंक्रोनाइज ऐप सेटिंग आ रही है, जितना कुछ हम लोग ने सेटिंग किया वो ये देखिए यहाँ पे स्टोर हो गई है। तो इस तरह से सारी इंफॉर्मेशन गूगल आपकी रख लेता है, आप किसी भी तरह गूगल को क्रोम को धोखा नहीं दे सकते हैं। और ये देखिए जब आप सिंक्रोनाइज सेटिंग करिएगा कैसे करिएगा, अभी हम पहले बता दें इसको तो फिर आपको बता दें। तो इस तरह से जब यहाँ से आप इस तरह से आपका डेटा पे जाइएगा तो आपको डिफ़ॉल्ट डेटा जो प्रेफरेंस फाइल में सेट हो रहा है वो दिख जाएगा। दिस इज़ अ हिडन फोल्डर एंड यू मे नीड टू मेक इट विजिबल इन ऑर्डर टू फाइंड इट, बट दिस डिफ़ॉल्ट फोल्डर शुड हैव ऑल ऑफ योर सेटिंग कैश एक्सटेंशन एंड मोर, जस्ट कॉपी इट फ्रॉम यूजर डेटा फोल्डर एंड स्टोर इट समवेयर सेल्फ। और अगर आपको इसको बचा के रखना है तो आप इसको किसी कॉपी करके इस फोल्डर को किसी सेफ जगह पे स्टोर कर लीजिए, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम हो सिस्टम में तो ये डिफ़ॉल्ट डेटा आपका वहाँ पर रहे और आपका पासवर्ड उसवर्ड सेफ रहेगा। अब यहाँ पे अब इसको कैसे बैकअप और रिस्टोर करते हैं सेटिंग को, ये चल के हम लोग सीख लेते हैं। देयर आर टू पार्ट ऑफ दिस, बैकअप सेटिंग इन गूगल क्रोम एंड रिस्टोर सेटिंग। तो इस सेटिंग को दो तरह से हम कर सकते हैं, पहले बैकअप करेंगे फिर रिस्टोर करेंगे। अब बैकअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्विक रेफरेंस क्रिएट अ बैकअप एंड रिस्टोर गूगल क्रोम बाय लॉन्चिंग गूगल क्रोम। फर्स्ट टाइम जब आप गूगल क्रोम डालते हैं तो आपको सबको पता है कि गूगल क्रोम का सिंबल क्या है, वो एक बॉल की तरह से आता है, ये देखिए आपका ये बॉल आ जाएगा। अब ये बॉल जब आ जाता है तो आपको क्या करना है, उसमें सेटिंग में जाना है, ओपन सेटिंग टैब करेंगे, टर्न ऑन सिंक्रोनाइज करेंगे जो अभी आपको हमने बताया, लॉग इन टू योर गूगल अकाउंट इफ यू आर नॉट ऑलरेडी लॉग्ड इन,
अब गूगल अकाउंट में आप लॉग करिएगा टाइम ऑन सिंक्रोनाइज करने के बाद, और एक्सेस सिंक्रोनाइज सेटिंग करिएगा। अभी हमने आपको बताया कि सेटिंग में जा करके सारी सेटिंग्स को ऑन करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप डायरेक्ट यहाँ पे क्रोम पे जा करके आप डायरेक्ट अगर ये लिखते हैं, क्रोम पे जाएंगे और ये देखिए ये खुला हुआ है। डायरेक्ट अगर इसको टाइप करिएगा तो आप सिंक्रोनस में पहुंच जाइए। अब सिंक्रोनस में जब आप पहुंच जाइएगा तो आप यहाँ पे देखिए क्या क्या सारी चीज़ें आपको सिंक्रोनाइज कर देंगी, जिससे कि आपका मोबाइल और आपका डेटा में सिंक्रोनाइजेशन हो जाए और बैकअप हो जाए। तो क्या क्या बैकअप होगा, आपका ऐप होगा, बुकमार्क होगा, एक्सटेंशन होगा, हिस्ट्री होगी, सेटिंग होगी, थीम होगी, रीडिंग लिस्ट होगी, ओपन टैब होगा, क्या क्या टैब आपने ओपन किया, पासवर्ड सेव होगा, एड्रेस एंड मोर, पेमेंट मेथड आपने क्या क्या पेमेंट किया, ऑफर किया। इसीलिए लोग कहते हैं जब आप पेमेंट करिए तो आप अपने हिस्ट्री को डिलीट कर दीजिए, अदरवाइज कोई आपकी इंफॉर्मेशन को लेकर के आपका अकाउंट हैक कर सकता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हम लोग सिंक्रोनाइज कर देंगे। जब सिंक्रोनाइज कर देंगे तो बैकअप हमारी बन जाएगी। अब उस बैकअप को रिस्टोर करने के लिए आपको डेस्कटॉप पे जा करके अपने ब्राउज़र को खोलना पड़ेगा अदर डिवाइस से, और सेटिंग को एक्सेस करना पड़ेगा और साइन इन करना पड़ेगा। अब आपने जो सेटिंग दूसरे डिवाइस पे की थी वो यहाँ पे भी आ जाएगी, या इस डिवाइस पे की थी तो दूसरे पे चली जाएगी। तो जब हम मोबाइल पे काम करेंगे तो वहाँ पे भी वो दिखेगी, और जो या दूसरे किसी डिवाइस पे और या यहाँ से काम करेंगे तो वो भी दिखेगी। तो इस तरह से उस सेटिंग को हम रेस्टोर कर पाएंगे। तो इस तरह से बैकअप और हम लोग बैकअप और रेस्टोर कर सकते हैं गूगल क्रोम की सेटिंग को, और अपने काम को इजी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर। इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन एंड वांट टू यूज इट फॉर फर्दर वर्क, देन यूज दिस वीडियो एंड डू इट प्रैक्टिकली। हमारा पहले ही से गूगल क्रोम लॉन्च था, इसलिए हम आपको प्रैक्टिकली नहीं दिखा पाए, इसके लिए फिर गूगल क्रोम को नए सिरे से हमको लॉन्च करना पड़ता। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और कुछ अगर क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लीजिएगा, और मेरे चैनल को की कम्युनिटी पे जाइए, वहाँ पर पोल पे आंसर करिए, कमेंट करिए, और अपने डिज़ायर क्वेश्चन को पूछिए, अपनी क्यूरीज को पूछिए, जिससे कि फर्दर हमें वीडियो बनाने में आसानी हो। मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स को ज्वाइन करिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ आपको हेल्प मिलेगी। सो दिस इज़ ऑल, और आप प्रेस बेल ज़रूर करिए जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिले और आपको हेल्प मिले। थैंक यू व्यूअर्स।